हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट 3 सीखने वाले हैं। ओके, इसके अंदर हम रीजनल पार्टीज के बारे में मेनली सीखने वाले हैं और ये वीडियो NTSC और क्लास 10th बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो जरूर देखिएगा एंड प्लीज लाइक कर दो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर ना किया हो, अगर किया हो तो धन्यवाद, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है, सो प्लीज़ शेयर करो अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे वगैरह। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आज के सेशन में हम रीजनल पार्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आपने इस पेज पे देखा होगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिख के दी हुई है, आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ लेना, लेकिन इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इंपॉर्टेंट सिर्फ दो तीन चीज़ें उतनी मैं बताने वाला हूँ। देखो, यहाँ तक तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सिर्फ नाम के लिए है। आप इतना ये मार्क करके ले लेना, एक मिनट में थोड़ा सा आपको, हाँ ठीक है। द फीलिंग ऑफ एफिनिटी डेवलप्ड अबाउट आर लैंग्वेज एंड रिलीजन ग्रेजुअली टर्न्स इन टू द आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस एंड फाइनली गिव्स राइज टू रीजनलिज्म। ये आप मार्क कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है? तो देखिए क्या दिया है। द फीलिंग ऑफ एफिनिटी, एफिनिटी मतलब प्राइड, या फिर कह सकते हैं प्यार है, या फिर कह सकते हैं कि अपने को एकदम उसके लिए क्या है, अपने लिए थोड़ा सा प्राउड है अपन उसके लिए, तो उसे हम एफिनिटी कहते हैं। तो ये जो एफिनिटी की फीलिंग होती है ना, ये अपने लैंग्वेज या रीजन के लिए डेवलप हो सकती है। जैसे मैं बोलूँगा कि यार मुझे मराठी लैंग्वेज बहुत पसंद है क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, या फिर ऐसा कुछ अगर रीजन के बारे में बोले कि महाराष्ट्र इज द बेस्ट, ऐसा मैं बोलता हूँ अगर, तो क्या होता है, ग्रेजुअली into the identity consciousness and finally gives rise to regionalism। देखो, ये अच्छी बात है कि हमें अपने region या language पे pride है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि उसको अति करें हम, और उस अति करने को हम regionalism कहते हैं। आपने पिछले साल political science में पढ़ा होगा ये कि regionalism ये होता है जब अपन अपने language या region के लिए कुछ ज़्यादा ही अपन dedicated हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि अपन वाद विवाद पे भी खड़े हो जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड regionalism, और वो अच्छा नहीं होता। लेकिन अपने रीजन और अपनी लैंग्वेज के लिए प्राइड होना, ये सही बात है। ओके, अब पीपल स्टार्ट थिंकिंग प्राइमरीली अबाउट द इंटरेस्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन रीजन। ये अच्छी चीज़ नहीं है। देखो, बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ बोलते हैं कि हमारा रीजन डेवलप होना चाहिए, बाकी सारे जो है भाड़ में, ऐसा सही नहीं होता, लेकिन इसे रीजनलिज्म कहते हैं। दे स्टार्ट फीलिंग प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट्स, एंड दिस गिव्स राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। मतलब उनके जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, उनका जो लैंग्वेज है, जो हिस्ट्री है, उसके से क्या होता है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी आ जाती है। लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी मतलब लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड आइडेंटिटी। मतलब आपको पता होगा, महाराष्ट्र स्टेट जब फॉर्म हुआ था तब उसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए थे, और ये क्यों आंदोलन हुए थे, क्योंकि सब लोग मराठी, जो लोग थे, जो मराठी बोलने वाले लोग थे, वो लोग महाराष्ट्र स्टेट बनाना चाहते थे। तो इसे हम लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी कहते हैं, कि ये जो है अपनी भाषा के आधार पर अपने को पहचान देते हैं। ओके, ये पहचान अगर लिमिट में हो तो बहुत ही अच्छा, अगर ये अति हो जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। ओके, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है, बड़ा ही आसान है। अब हम रीजनल पार्टीज की ओर चलते हैं। रीजनल parties are those groups in the region who have a proud feeling about the different identity of their region and who compete to get political power with the objective of regional development। तो अब देखिए, रीजनल पार्टीज क्या होती है, ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज ही होती है ये भी, बस फर्क इतना ही है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने रीजन के लिए काम करना चाहती है। ये जो पार्टीज है ये सोचती है कि हमारा रीजन बहुत ही अच्छा हमें लगता है, क्योंकि इसकी जो आइडेंटिटी है वो बाकी के रीजन से अलग है। मतलब यहाँ की लैंग्वेज अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है, ऐसा कुछ रीजन्स में होता है। एक्चुअली ऑलमोस्ट हर एक रीजन में ही होता है, और यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो सिर्फ इस रीजन के डेवलपमेंट में लग जाती है, और उन्हें हम रीजनल पार्टीज कहते हैं। ओके, द इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल पार्टीज इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन। तो एक अगर रीजनल पार्टी है तो उसका इन्फ्लुएंस वो पर्टिकुलर रीजन में पे ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर महाराष्ट्र पे देखें तो आपको पता होगा कि शिवसेना का काफी ज्यादा प्रभाव है, लेकिन अगर पूरी इंडियन पॉलिटिक्स पे देखें तो शिवसेना बहुत ही कमजोर है। दो दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एट द रीजनल लेवल, दे इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स एज वेल। भले ही रीजनल लेवल पे जो पार्टीज है ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में भी इनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि आप शिवसेना को देख लीजिए, वो जो है केंद्र सरकार मतलब बीजेपी की सरकार के अंदर गठबंधन के साथ है, जो शिवसेना है वो बीजेपी के सपोर्ट में है। ओके, तो वो अपोजिशन पार्टीज में नहीं है, वो सपोर्ट में है टू द रूलिंग पार्टी। ओके, तो वैसे क्या होता है, जो रीजनल पार्टीज है वो कभी कभी सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी कोएलिएशन में होती है, कोएलिएशन मतलब उनके सपोर्ट में, उनके साथ में रहती है। ओके, दो दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल एट, अच्छा ये तो हो गया, रीजनल पार्टीज गिव प्रेफरेंस टू द रिजोल्यूशन ऑफ रीजनल प्रॉब्लम्स। मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस किसे दी जाती है, सबसे पहला इनका काम ये होता है कि रीजन में जो प्रॉब्लम्स है उनके, वो रीजनल प्रॉब्लम्स को पहले रिजोल्व करना है, फिर देश की प्रॉब्लम सोचनी है। ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन दे डिमांड मोर ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी। मतलब वो क्या कहते हैं कि हमें रीजन का डेवलप करना है, इसलिए आप क्या करो, हमें ज्यादा सीटें दिलवाओ इलेक्शन में, हमें ऑटोनॉमी दो। ऑटोनॉमी मतलब एक ही पार्टी को ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी होना और वो पार्टी एकदम स्ट्रांग हो जाना, उसे ऑटोनॉमी कहते हैं। तो वो पार्टी क्या कहती है कि ये जो रीजन है इसके अंदर के लोग हमें ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो दे, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ऑटोनॉमी आएगी और हम रीजन का पूरा डेवलपमेंट कर पाएंगे। दो दे कोऑपरेट विद द फेडरल गवर्नमेंट दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ऑटोनॉमी। भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वाद विवाद नहीं कर सकते कि यार तुम जो है फालतू एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत ही अच्छी है, हम एकदम अच्छे से सोचते हैं अपने रीजन के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ओके, उनको कोऑपरेट करना पड़ता है विद द फेडरल गवर्नमेंट, मतलब ही सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर ऑटोनॉमी। साथ ही साथ वो ये भी ट्राई करते हैं कि उनका जो रीजन है उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए, वहां पे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो पाए। ओके, समझ में आ गया। अब रीजनल पार्टीज मेक सेवरल डिमांड्स सच एज रीजनल प्रॉब्लम्स शुड बी रिजॉल्व्ड एट रीजनल लेवल, पॉलिटिकल पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम रीजन, एंड रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन शुड गेट प्रेफरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जॉब्स। अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें, पहली बात तो यह है इनकी कई सारी डिमांड्स होती है, जैसे कि पहली बात तो यह है कि रीजनल प्रॉब्लम्स को रीजनल लेवल पे ही रिजॉल्व करना चाहिए। जैसे कि अगर एक प्रॉब्लम महाराष्ट्र में अराइज हुई है तो वो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुँचने सही चाहिए, वो मुंबई हाईकोर्ट में रफा दफा हो जानी चाहिए। ये इनका एक फर्स्ट ये रहता है, डिमांड रहती है। लेकिन हालांकि ऐसा कोई कई केसेस में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पावर शुड बी इन हैंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम रीजन, उसी रीजन के जो लोग हैं उनके हाथ में पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, जिससे कि अगर सेंटर में भी उनका अगर रिप्रेजेंटेशन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में तो क्या हो पाएगा, उस रीजन के जो प्रॉब्लम्स है, उस रीजन में क्या क्या नीड्स है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एड्रेस कर पाएंगे। ओके, एंड रेजिडेंट्स ऑफ रीजन should get preference in administration and jobs. अभी आपको पता होगा कि मराठाओं को आरक्षण मिला हुआ है पिछले साल या उसके पिछले साल से, और ये किसने कराया था, ये जो regional parties है इन्होंने मिलकर ही कराया था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हमारे जो region के लोग हैं उनको ज्यादा preference मिलनी चाहिए job में, उनको reservation वगैरह मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसा होता है regional parties का। अभी देखिए changing nature of regional parties in India। अब देखिए changing nature में पहली बात, regional parties came into existence in India in the post independent period। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद वाले पीरियड में रीजनल पार्टीज जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। ओके, हाउएवर ओवर द इयर्स देयर नेचर एंड रोल हैज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। मतलब कुछ साल बीतते बीतते क्या हुआ, इनका जो नेचर है, इनका जो रोल है वो बदलते गया है। देखिए क्या है, इनिशियली रीजनल आइडेंटिटीज गेव राइज टू सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स मतलब वो क्या चाहते थे, हमारे जो राज्य है वो अलग हो बाकी के लोगों वाले राज्यों से। जैसे कि द डिमांड्स फॉर इंडिपेंडेंट खलिस्तान, द्रविड़िस्तान वर मेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिंग फ्रॉम द इंडियन फेडरेशन एंड एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। मतलब कुछ जो पंजाब के लोग थे उन्होंने बोला कि हमें खलिस्तान नाम का अलग से हमारा देश बनाना है, द्रविड़िस्तान नाम का साउथ वाले लोग कहते थे हमें अलग से देश बनाना है, और ये सब जो इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने डिमांड की थी ना, इसके लिए ये जो रीजनल पार्टीज है ये बनाई गई थी। पहले ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुआ करती थी, पहले ये आंदोलनकारियों की पार्टी हुआ करती थी कि भाई हमें जो है हमारा देश जो है हमें अलग करना है भारत से और हमें अलग से रहना है, ठीक है। तो खलिस्तान मतलब पंजाबियों का अलग से देश, द्रविड़िस्तान मतलब जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनके लिए अलग से देश, ऐसा वो पहले ये प्रोटेस्ट कर रही थी। ओके, रीजनल पार्टीज फ्रॉम पंजाब, तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर हैव मेड सच डिमांड्स। ठीक है, तीन स्टेट है देखो, पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो तीनों स्टेट है वहां के जो लोग है वो अपने राज्य को इंडिया से अलग करना चाहते थे और ऐसी डिमांड ये रखते थे। और महाराष्ट्र में क्या थी,
महाराष्ट्र में ये था कि लोग जो है महाराष्ट्र को बॉम्बे स्टेट को दो पार्ट करके महाराष्ट्र को अलग करना चाहते थे, क्योंकि पहले बॉम्बे बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, और इस बॉम्बे प्रोविंस में गुजराती और मराठी दोनों लोग रहते थे, और जो है मराठी लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि ये सब कुछ मिक्स है, तो इसलिए वो क्या कहते थे कि बॉम्बे प्रोविंस को बांटा जाए और महाराष्ट्र स्टेट बनाया जाए, और ऐसा बनाया गया था 1960 में। ओके, अब देखिए, द डिमांड्स ऑफ रीजनल पार्टीज ग्रेजुअली चेंज्ड। तो अलग अलग जो डिमांड्स है रीजनल पार्टीज की, वो अलग अलग समय में अलग अलग होती गई, मतलब चेंज होती गई। जैसे कि पहले जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे, अपना खुद का अलग से एक ये देश बनाना चाहते थे। दे स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी। वो कहने लगे हमें ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब बॉम्बे प्रोविंस में जो सरकार है वो एक गुजराती की भी हो सकती थी, और फिर क्या होता, फिर जो मराठी लोग थे वो हो जाते थे गुस्सा कि हमें एक तो है इसकी सरकार नहीं चाहिए, जबकि अगर मराठी लोगों की सरकार बन जाती तो गुजराती लोग बोलते कि हमें नहीं चाहिए इनकी सरकार। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे किसी भी एक टाइप के लोगों को ऑटोनॉमी नहीं मिलती, यहाँ पे किसी भी एक टाइप के लोगों की सरकार नहीं होती। अगर ये जो स्टेट बड़े बड़े हैं, अगर स्टेट में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं तो सरकार में भी अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे। तो ये रीजनल पार्टीज जो है वो क्या कहती है कि हमारे रीजन के लोगों की सरकार होनी चाहिए, हमारे रीजन के लोग ज्यादा होने चाहिए सरकार में, इसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं, और ये लोग चाहते हैं। दिस वॉज द सेकेंड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज, दिस स्टेज बिगैन आफ्टर 1990। ठीक है, तो 1990 के बाद ये रीजनल पार्टीज ने ये डिमांड करने चालू की कि हमें और ऑटोनॉमी चाहिए, हमें जो है सेंटर से थोड़ा सा अलग होके काम करना है। द रीजनल पार्टीज डिमांडेड दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन पीपल फ्रॉम रीजन शुड गेट पावर एट स्टेट एंड नेशनल लेवल, फॉर एग्जाम्पल शिवसेना, तेलुगु देशम एटसेट्रा। तो ये जो है ना, शिवसेना है, तेलुगु देशम है, ये जो रीजनल पार्टीज है, ये क्या कहती है कि हमें रीजन का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रीजनल पार्टीज को नेशनल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में से भी क्या होगा, हमारे रीजन के लिए ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल पार्टीज इन नॉर्थ ईस्ट शोज अ डिफरेंट ट्रेंड। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, मतलब आसाम साइड, वहां पे कुछ और ही चल रहा था। दे गेव अप देयर डिमांड ऑफ सेपरेटिज्म एंड हैव स्टार्टेड डिमांडिंग ऑटोनॉमी। ठीक है, तो उन्होंने भी सेपरेटिज्म छोड़ दिया और उन्होंने भी ऑटोनॉमी डिमांड की। द रीजनल पार्टीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर नाउ एंटरिंग इन मेन स्ट्रीम ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। मतलब पहले क्या होता था, जो रीजनल पार्टीज थी नॉर्थ ईस्ट की, मतलब वो आसाम की वगैरह, ये जो है अलग अलग ही रहती थी, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ रिप्रेजेंटेशन ही नहीं रहता था, जबकि अभी क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे करके नेशनल पॉलिटिक्स में आती जा रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनकी कुछ सीटें आती जा रही है। ओके, तो ये यहाँ की पॉलिटिक्स थोड़ी सी और बदल रही है। ओके, इन शॉर्ट वी कैन से दैट रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया हैज पास थ्रू वेरियस फेजेस फ्रॉम सेपरेटिज्म टू ऑटोनॉमी एंड नाउ टूवर्ड्स एंट्री इन टू मेन स्ट्रीम नेशनल पॉलिटिक्स। ओके, तो ये क्या करना चाहते हैं कि अब सिर्फ स्टेट में नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपनी सीटें चाहते हैं। कोएलिएशन पॉलिटिक्स इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन नेशनल पॉलिटिक्स। अब क्या हो रहा है, देखो, जो ये रीजनल पार्टीज है, अगर अलग 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 रीजनल पार्टीज अगर नेशनल गवर्नमेंट में आएगी तो क्या होगा, कोएलिएशन होगा, पार्टीज का गठबंधन होगा, पार्टीज एक साथ आएंगी, तो इसलिए क्या हो रहा है कि कोएलिएशन पॉलिटिक्स जो है वो बढ़ती जा रही है। ओके, कॉन्सिक्वेंस मतलब इसका रिजल्ट है, तो रिजल्ट क्या है कि कोएलिएशन बढ़ता जा रहा है, जो पार्टीज है वो एक साथ गठबंधन करती जा रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, अलग अलग पार्टियों के बीच में सीटें बंटी हुई है। ओके, पहले कैसा होता था, सिर्फ कांग्रेस को इतनी इतनी बहुत ज्यादा ज्यादा सीटें मिलती थी और बाकी सारे जो छोटी छोटी पार्टीज थी उनको अलग मिलती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो मेन पार्टी है उसको भी आजकल बहुमत मिलना काफी मुश्किल हो गया है, मेजोरिटी मिलना काफी मुश्किल हो गया है, और इसलिए कोएलिएशन गवर्नमेंट बहुत सारी फॉर्म हो रही है, जैसे कि आपको महाराष्ट्र में पता होगा, महाराष्ट्र में अभी कोएलिएशन गवर्नमेंट है अमंग, ठीक है, तीन लोग है ना, तो अमंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल ये क्या कहते हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी और हमारी शिवसेना, इन तीनों के बीच में कोएलिएशन गवर्नमेंट है, तो कोएलिएशन गवर्नमेंट बढ़ती जा रही है क्योंकि रीजनलिज्म वगैरह बहुत बढ़ रहा है। ओके, इन इंडिया वी हैव मेनी रीजनल पार्टीज, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट ऑल सच पार्टीज इन दिस चैप्टर, वी विल स्टडी सम पार्टीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ रीजन्स। अब देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया में सबसे मेजर रीजनल पार्टीज कौन सी है उनके बारे में पढ़ना है।
तो टोटल हमें 1, 2, 3, 4 और 5 पार्टीज के बारे में ही पढ़ना है, बड़ा ही आसान है। ठीक है, पहली बात तो शिवसेना, ठीक है, हमें पता है हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना हैज़ अ बिग रोल टू प्ले, लेकिन फिर भी इनकी जो सरकार है वो बहुत कम बनती है। अभी जो है शिवसेना की सरकार है, आपको पता होगा उद्धव ठाकरे जी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, पहले ये बीजेपी के साथ काम करती थी टिल 2014। अच्छा, पहले देख लेते हैं, मेन पॉलिटिकल पार्टी इन महाराष्ट्र एस्टैब्लिश्ड इन 1966। तो 1966 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी महाराष्ट्र स्टेट के फॉर्मेशन के 6 साल बाद। ऑब्जेक्टिव इज द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मराठी पीपल, मराठी लोग जो है उनके राइट्स का प्रोटेक्शन, प्रमोशन ऑफ मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज को प्रमोशन देना, रेजिस्टेंस टू पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स। मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र के अंदर है ना बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के लोग आके काम धंधा चला रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा यूपी बिहार के बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो है वो महाराष्ट्र में आके अपना काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से इवन कोरोना काल में इसका एक डिसएडवांटेज भी हो गया, ये भी आपको पता है कि इन लोगों को वापस वहां पे भेजना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसलिए ये जो शिवसेना ये किसके लिए काम करती है कि जितना हो सके बाहर से प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में एंटर ना कर पाए और यहाँ की जो जॉब्स है वो मराठी लोगों को ही मिले, ये शिवसेना का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, अब इन्हें खलनायक समझो या क्या समझो मुझे नहीं पता है, दैट आई विल नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दिस। ओके, ये आपके सोच पे डिपेंडेंट है कि ये कैसी पार्टी है। अब अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको इसके बारे में अच्छा लगेगा, अगर महाराष्ट्र के बाहर रहते हो तो आप बोलोगे कि यार ये लोग तो हमारी जॉब छीन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। इन 1995 इट एंटर्ड इनटू अ कोएलिएशन विद बीजेपी एंड केम टू पावर इन महाराष्ट्र। तो 1995 से ही बीजेपी के साथ इसका गठबंधन है, और तब से महाराष्ट्र में इसकी सरकार थी कब तक, 2019 तक। ठीक है, जबकि 2019-2020 के बीच में, मतलब दिसंबर जनवरी में ये हुआ था कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपना कोएलिएशन तोड़ के कांग्रेस और एनसीपी के साथ कोएलिएशन बना लिया था। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्टी देखते हैं, जो कि है शिरोमणि अकाली दल। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये जो इन्होंने सिंबल देके रखा है ये एक्चुअली यूथ अकाली दल का सिंबल है। ओके, मेरे ख्याल से इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है समझने में, ये जो सिंबल है यूथ अकाली दल का है। मैंने इंटरनेट पे थोड़ा सा रिसर्च किया और ये वाला जो है ना, इसमें से सिर्फ ये जो है ना, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये दो जो वजन के लिए रखे हुए रहते हैं इसे कहते हैं ना, हाँ, ये क्या है, ये है शिरोमणि अकाली दल का। ओके, ये शिरोमणि अकाली दल का क्या है, सिंबल है। अब देखिए, एस्टैब्लिश्ड इन 1920 अ प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी इन पंजाब। ठीक है, 1920 में एस्टैब्लिश हुई थी और पंजाब में एक प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी है, मतलब क्या है, काफी इंपॉर्टेंट पार्टी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्टिवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी, तो इसका मेन एम क्या है कि पंजाब के लोगों के बीच में क्या करना है कि कल्टीवेटिंग रिलीजियस एंड रीजनल आइडेंटिटी, उनको पंजाब पे गर्व होना चाहिए और उनको अपने धर्म पे गर्व होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव है। अज्यूम्स पावर इन पंजाब फॉर मेनी इयर्स, काफी सालों से ये पंजाब में पावर में है। और आपको बता दूं शिरोमणि अकाली दल जो है बीजेपी के साथ भी गठबंधन में है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, आई डोंट नो हर नेम परफेक्टली, लेकिन जो हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर है वो शिरोमणि अकाली दल। ओके, अब आगे देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तीसरी पार्टी है। अब ये जम्मू कश्मीर की मेन रीजनल पार्टी है और ये एस्टैब्लिश कब हुई थी, 1932 में। ओके, नाउ एम्स आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कश्मीरी पीपल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेटस, मतलब ये जो पार्टी थी, अभी देखिए आपने जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब आपको याद होगा कि बीजेपी ने क्या किया था, जो वहाँ के जो मेन मेन नेता थे जम्मू कश्मीर के, उनको क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नजर कैद में रख दिया था, मतलब उनको घरों में बंद करके रख दिया था, उनके पास की इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। ऐसा क्यों था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि अगर हमने आर्टिकल 370 हटाया ये लोग हंगामा मचा देंगे, ये लोग वहाँ पे पूरी तरह से आंदोलन शुरू कर देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास पहले ऑटोनॉमस स्टेटस था, मतलब जम्मू कश्मीर पहले एक स्पेशल स्टेट था, है कि नहीं। वहां पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी कम राज चलता था और वहां पे जम्मू कश्मीर सरकार का बहुत ज्यादा राज चलता था, तो ये ऑटोनॉमस जो स्टेटस था इसका प्रोटेक्शन के लिए ये एक्चुअली पार्टी थी। लेकिन अब क्या हुआ है, ये पार्टी की जो ये है क्या कहते हैं एम है, ये बदल गया होगा, क्योंकि अब तो ऑटोनॉमस स्टेटस रहा ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, अब ये भी एक साधारण स्टेट जैसा हो गया है। ओके, लेकिन अब ये यूनियन टेरिटरी बन गया है तो बात थोड़ी सी अलग हो गई, लेकिन ये अब मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में चेंज मिलेगा, चेंज मिलते ही मैं आपको बता दूंगा। ओके, ये समझ में आ गया, बड़ा ही आसान है। अब आगे देखते हैं, फोर्थ इज आसाम गण परिषद। गण मतलब लोग,
ठीक है, गण मतलब लोग, आसाम गण परिषद मतलब लोगों, आसाम के लोगों का जो परिषद है, आसाम के लोगों का जो अग्रीमेंट है। सो आसाम अग्रीमेंट वॉज साइंड इन 1985, मतलब 1985 में आसाम एग्रीमेंट नाम का एक एग्रीमेंट साइन किया गया था और इसके अंदर आसाम गण परिषद की स्थापना की गई थी, एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। ओके, अभी एम क्या है, रिजोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। मतलब वहाँ पे आसाम में क्या होता है कि वहाँ पे कई सारे लोगों को प्रॉब्लम्स रहती है अकॉर्डिंग टू, देखिए पहली बात उनके घर छीन लिए जाते हैं क्योंकि आसाम इज अ वेरी रिमोट एरिया, वहाँ पे जो है जो उसके आसपास के रीजन्स है वहाँ पे कुछ लोग सरकार के खिलाफ काम करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत लोगों का किडनैपिंग वगैरह का काम चलता है आसाम में। और ये सब रोकने के लिए क्या किया है, जो आसाम गण परिषद है ये ट्राई करती है टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। अगर कोई लोग खो गए हैं, किडनैप हो गए हैं, तो ये लोग को वापस ढूंढने का काम आसाम गण परिषद के काफी सारे कार्यकर्ता करते हैं। सो दैट इज अ गुड साइन ऑफ अ पार्टी। प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ आसाम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, हम सिटीजनशिप क्यों नहीं देते। अब आपको पता है कि बांग्लादेश से कई सारे लोग आसाम के अंदर 1971 की वॉर के समय बहुत सारे लोग आसाम में आ गए थे, लेकिन इन लोगों को अलग से रखा गया। अब अलग से क्यों रखा गया है भाई, क्या प्रॉब्लम है ये लोग अगर आसाम के लोगों के साथ मिक्स होते हैं। देखिए पहली बात तो सबसे बड़ी बात यह है कि पॉपुलेशन बढ़ती है और सरकार के ऊपर बोझ बढ़ता है फालतू का, क्योंकि ये लोग आ गए दूसरे देश से और ये तो एक्चुअल में हमारे लोग है ही नहीं, तो हम इसकी इनकी सेवा क्यों करें, किस नाते से करें। इंसानियत के नाते से करना तो एक्चुअली सिर्फ नाम की बात होती है, सरकार को तो पैसे की पड़ी है। और क्यों नहीं पड़ी होनी चाहिए यार, पैसे कौन पे कर रहा है, जो सिटीजन है वो पे कर रहे हैं और ये लोग आके उसका फ्री का खा रहे, तो ये नहीं चलेगा ना। तो इससे पहली बात तो ये हो गई कि सिटीजनशिप इनको नहीं देनी चाहिए, ये पहली चीज इसकी वजह से होती है कि पॉपुलेशन बढ़ती है और सरकार के ऊपर फालतू का बोझ बढ़ता है। और ये सब बोझ कहां से आने वाला है, एट लास्ट टैक्स पेयर्स के पैसों से ही आने वाला है, तो इसलिए लोगों को प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अगर अलग अलग रीजन के लोग आके आसाम में रहने शुरू हो गए तो क्या हो जाएगा, आसाम की जो रीजनल कल्चर है, मतलब वहां पे स्पेशली क्या है, बांबू वगैरह की चीजें, हैंडमेड क्राफ्ट्स, ये सब के लिए आसाम बहुत ही ज्यादा फेमस है। और अगर दूसरे लोग आके रहने लगे तो क्या हो जाएगा, वहां की कल्चर की मिक्सिंग हो जाएगी और इनका जो कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, ये जो कल्चर है मिक्स होकर कुछ और ही बन जाएगा और ये लोगों को जिसपे गर्व है, जिसपे प्राइड है, वो कल्चर ही नहीं रहेगा, तो ये किसके लिए काम करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए प्रोटेक्ट द यूनिक कल्चरल लिंग्विस्टिक एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ आसाम। आसाम के जो लोग हैं उनका क्या सोशल आइडेंटिटी होगा, क्या लैंग्वेज होगी, अब लैंग्वेज भी बदलेगी ना, बांग्लादेश से आए हुए लोग तो बांग्ला बोलेंगे, बंगाली बोलेंगे, तो इसलिए लैंग्वेज को बचाना है, कल्चर को बचाना है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम। तो दूसरा मैंने जो बोला था कारण उसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आसाम। तो आसाम गण परिषद जो है वो सिटीजनशिप, बाहर के लोगों को सिटीजनशिप देने के बहुत ज्यादा खिलाफ है। ओके, एंड थर्ड थिंग इज इट assumes power in Assam for many years. काफी सालों से आसाम में आसाम गण परिषद की सरकार है। अब आगे देखते हैं, लास्ट हमारा एकदम लास्ट पॉइंट है जी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओके, लास्ट पॉइंट है द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम। ओके, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम ये साउथ की एक पार्टी है। ओके, जस्टिस पार्टी अ नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन 1920 वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम अ पॉलिटिकल पार्टी। तो 1920 में जस्टिस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था और ये पार्टी क्यों हुई थी, क्योंकि जो नॉर्थ के लोग थे वो साउथ में आके क्या कर रहे थे, साउथ की भाषा को ऑफेंड कर रहे थे या फिर साउथ के कल्चर को ऑफेंड कर रहे थे, और इसके खिलाफ जस्टिस पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1920 में, और इसको जो है कन्वर्ट करके द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम बना दिया गया था 1920 में। सॉरी, जस्टिस पार्टी पहले से थी और 1920 में इसका द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम में ट्रांसफॉर्म किया गया था, जो कि पॉलिटिकल पार्टी थी। ओके, अब ये क्या थी, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम पॉलिटिकल पार्टी थी, ये चुनाव में लड़ती थी। In 1944, the Justice Party came to be known as द्रविड कज़गम। ठीक है, तो 1944 में ये द्रविड कज़गम बोलने लगे इसे। ओके, द्रविड मुन्नेत्र कज़गम का भी द्रविड़ कज़गम कर दिया। In 1944, a group separated from this party and established another party, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम। अब देखिए मैं इधर थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ। पहले जस्टिस पार्टी थी,
पहले क्या थी, जस्टिस पार्टी थी, फिर जस्टिस पार्टी का नाम चेंज करके उन्होंने द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम कर दिया डीएमके, उसका नाम वापस चेंज करके द्रविड़ कजगम कर दिया, ठीक है। अब उसका क्या हुआ, वो हो गई सेपरेट 1944 में, क्या हुआ, अ ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्टी, ठीक है। तो इसके दो भाग हो गए, एक जो ग्रुप हो गया सेपरेट एंड एस्टेब्लिश्ड अनदर पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम, वापस एक इन्होंने द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम बनाई, और दूसरा जो ग्रुप था अनदर ग्रुप सेपरेटेड फ्रॉम दिस पार्टी इन 1972 एंड एस्टेब्लिश्ड ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम। तो दूसरा जो ग्रुप था उसने AIDMK ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम बनाया। प्रोटेक्शन ऑफ तमिल आइडेंटिटी, ये इसका एम है, ठीक है, ये क्या है, एम है। मेंबर ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर फॉर सम इयर्स, काफी सालों से बीजेपी के साथ, अभी रिसेंटली 2019 के इलेक्शंस के बाद भी डीएमके जो है, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम जो है वो बीजेपी के साथ है, और जो ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम है वो कांग्रेस के साथ है, ठीक है। तो ये है एक्चुअल अभी की स्थिति, कि ये है इन द क्या कहते हैं, रूलिंग पार्टी की साथ में इसका काम चल रहा है, ओके। एक ही एल होना चाहिए यहाँ पे, और ये जो है ये अपोजिशन पार्टी के साथ काम कर रही है, ओके। तो ये यहाँ पे मेन आपको पता होना चाहिए। द पार्टी हैज सपोर्ट ऑफ वोटर्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बस वो साउथ में होना चाहिए, ओके। इट वॉज इन पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इम्प्लीमेंटेड मेनी पॉलिसीज, ठीक है। वो साउथ में भी काफी समय से इनकी सरकारें चलती आ रही है, और अभी भी तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम या ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम इनमें से एक की सरकार है, और ये भी काफी सारी पॉलिसीज वहां पे इंप्लीमेंट कर रही है अपनी बना बना के, ओके। अब देखिए एकदम लास्ट बता रहा हूँ, एकदम लेसन की एंडिंग है। इन इंडिया वी हैव मेनी रीजनल पार्टीज इन एवरी स्टेट दैट हैव इन्फ्लुएंस द स्टेट पॉलिटिक्स। द फॉलोइंग चार्ट शोज द परफॉर्मेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इन महाराष्ट्र इन द इलेक्शंस ऑफ 2009, 2014, 2019 के भी मैंने आपके लिए कलेक्ट करके रखे, ओके। तो यार आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यार, ये सब कलेक्ट कर रहा हूँ। प्लीज एक बार सेशन को लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। अब देखिए ये जो है ना, ये चार्ट ये सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए शिवसेना जो है 2009 में उसकी 44 सीट्स थी महाराष्ट्र में, 2014 में 63 सीट्स थी, 2019 में 56। तो देखिए यहाँ पे 9 से 14 में बढ़ गई और 14 से 19 में कम हो गई, ठीक है। तो 44, 63, 56, आपको ये याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ओके। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसको हम मनसे कहते हैं, इसकी पहले 2009 में 13 सीटें थी, 2014 में डायरेक्टली एक सीट हो गई और 2019 में वापस एक ही सीट मिली, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद पीसेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, इसकी 2009 में 4 सीटें थी, 2014 में 3 सीटें थी और 2019 में 1, मतलब ये कम होती जा रही है, ओके? उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन महासंघ। अब क्या हुआ, देखो रीजनल पार्टी ऑफ इंडिया अलग अलग क्यों दिए गए, क्योंकि पहले क्या हुआ था, ये भी स्प्लिट हुई थी, यहाँ पे भी कई भाग हो गए थे, अलग 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 भाग हो गए थे, ठीक है। जैसे कि एक बाबा साहेब अम्बेडकर जी की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, लेकिन अभी ये अलग है, ठीक है। तो पहली तो है बहुजन महासंघ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बहुजन महासंघ, इसकी 2009 में एक सीट थी, 2014 में एक सीट थी और 2019 में इसे जीरो सीट मिली, ठीक है, कोई भी सीट नहीं। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को तो 9, 14, 19 तीनों में भी एक भी सीट नहीं थी। समाजवादी पार्टी 2009 में 4 सीटें, 2014 में 1 सीट, 2019 में 2 सीट, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है 2019 में, लेकिन नहीं है इतना कुछ। उसके बाद बहुजन विकास आघाड़ी की बात करें तो 2009 में 2 सीटें, 2014 में 3 सीटें, 2019 में भी 3 सीटें, तो इन्होंने मेंटेन करके रखा है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट राष्ट्रीय समाज पक्ष 2009 में 1 सीट, 2014 में 1 सीट, 2019 में 1 सीट, मतलब ये फिक्स एक सीट है इनकी, वो एक ही सीट इनको मिलती है, पता नहीं कौन सी, लेकिन एक ही सीट है वो फिक्स हर साल मिलती है, ओके। नेक्स्ट ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल्ला मुसलमीन, मतलब AIMIM, ठीक है, AIMIM पार्टी के बारे में आपने सुना होगा मेरे ख्याल से। 2009 में यहाँ पे स्टार मार्क करके रखा है क्योंकि दिस पार्टी डिड नॉट एग्जिस्ट इन 2009, ठीक है, इसके बाद बनी है। 2014 में 2 सीटें, 2019 में भी 2 सीटें, ठीक है, तो 2014 और 2019 दोनों में 2-2 सीटें। उसके बाद जनसुराज्य शक्ति 2009 में 2 सीटें, 2014 में 0 और 2019 में 1 सीट, ओके। नेक्स्ट लोक संग्राम 2009 में 1 सीट, 2014 में 0,
और 2019 में भी जीरो, मतलब ये लोक संग्राम खत्म होने आई है। स्वाभिमानी पार्टी 2009 में एक सीट, 2014 में जीरो, 2019 में वापस एक सीट। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया। और ये मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ये सब आंकड़े आपके लिए निकाले हैं, समझ में आ गया। सो वेरी वेरी इजी, ये चैप्टर कुछ खास डिफिकल्ट था नहीं, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं, पार्टियों के नाम याद रखने हैं, रीजनल है या क्या है वो आपको याद रखना है। ठीक है, मैं आपके लिए एक और वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, प्लस उसके साथ साथ मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, ये पिंक बॉक्स का पूरा एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ। ओके, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको एक प्रोजेक्ट करना है, इनमें से कोई भी एक प्रोजेक्ट कर लेना। देखो पहली बात क्या है, इन अ मैप ऑफ महाराष्ट्र पॉइंट आउट द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ योर पेरेंट्स। मतलब क्या है कि आपके जो पेरेंट्स है वो कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। मैंने आपको बताया था लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब हमारे देश को अलग 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 क्या करके रखा है, डिवाइड करके रखा है उसे अलग अलग रीजन्स में, और हर एक रीजन जहाँ से एक लोकसभा की सीट आती है उसे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। तो आपके पेरेंट्स किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोट करेंगे, उसको जो है आपको उस मैप में कलर करना है। इन अ मैप ऑफ इंडिया पॉइंट आउट द प्लेसेस वेयर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैव देयर इन्फ्लुएंस। मतलब जो बीजेपी है, कांग्रेस है, जो आपको मैंने एनसीपी बताई थी, इनमें से जो 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 पार्टीज है ना, जो नेशनल पार्टीज की लिस्ट मैंने बताई ना, इनमें से कहाँ कहाँ इनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कहाँ कहाँ इनकी राज्य सरकारें हैं। जैसे कि आप बता सकते हो कि जो एनसीपी है और जो कांग्रेस है वो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे आप महाराष्ट्र में इन्फ्लुएंस दिखा सकते हो, या फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे आप इन्फ्लुएंस दिखा सकते हो, मध्य प्रदेश में इसकी है बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पे आप दिखा सकते हो, समझ में। तो जहाँ जहाँ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे आपको मैप में पॉइंट आउट करना है। और प्लीज़ इसको हल्के में मत लो, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ पढ़ाई में रटना नहीं है, आपको अगर कोई अच्छा काम करना है जिंदगी में, तो आप प्लीज ये सब प्रोजेक्ट्स करते जाओ, आपकी जनरल नॉलेज में बहुत सुधार होगा सर। ठीक है, सो इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, प्लीज लाइक करो हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यारो, क्योंकि हमें सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही आगे भी मैं आपका साथ दूंगा, नहीं तो हमें चैनल बंद करना पड़ेगा। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, एंड बाय बाय।